सरकार काहे को सरकार जनता को सेवा का आने करता करना जो है आज डूबमा जा रहे हैं सब घर बार खेती बाड़ी संत्यानाश हो रहे केरंदे पेंशन नहीं जड़ती दो साल है या नहीं जड़ते पहले तीन साल लगने बारह महीना में ग्यारह ग्यारह सौ रुपया जड़ला बस तरह ही नहीं जड़ता कहीं में काय खाम चाह गोदन से आमदनी नहीं होती कहीं काम नहीं बनता कहीं हमारे बस खाने दार आ गया तो यहीं पाक पी गई कम हो गए तो कहीं पैसे टोखा मेर नहीं मिला तो मैं कहीं खाई लो तो मैं कहीं पेंशन ले पैसा जन जा कम हो चल मैं आज बड़ो बड़ो पा डे पाउन मैं तो कोई ये पेंशन राशि भी कम से कम डेढ़ साल है गए जब तक दौड़ी दौड़ी ने पेंशन राशि पैसा नहीं मिला तक पैसा खर्च कर देने आज तक मारा कोई पेंशन राशि भी नहीं मिलती नहीं तो मारी नुस्कानी खेती डूब गई मारो कू डूब जीव नेर हतु वो डूब जीव तेरी कोई नुस्कानी भी नहीं सरकार को नहीं दिए पाते अब मैं कसू जीव नहीं कोई मारा कोई पेंशन राशि मासि मिल जाए तो वो खाए फिर कुछ नहीं मिलता मेरे ख्याल से आप बुड्ढू हो गई मैं अब इतने कोई भी कमाइन खिलावे तो खाने नहीं तो बस रहने बात से मारी कोई काम धूम से मारा नहीं बनता और मंत्री साहब ही गई आखे बिलाक मान आखे फिरी हाँ मिल जाएगा तेरे को पेंशन राशि मिल जाएगा ऐसा तो बोल दे कब मिलेगा मिलती नहीं हो रहा या हो रहा या का हो रहा या हमको अंदा है तो हो रहा है तो खत का हो रहा या ग्राम बहादल जो कि बड़वानी जिले का आखिरी गांव है सरदार सरोवर बांध के 95 मीटर की ऊंचाई से डूब प्रभावित है। यहाँ पिछले 1.5 सालों से बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिला है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन जो कि 7 साल से अधिक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बुजुर्गों को देने का प्रावधान है। मैं चाहता हूँ कि ग्राम बहादल के पेंशनधारियों को जल्दी से जल्दी पेंशन मिले। इसलिए इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों से मैं अपील करता हूँ कि आप भी हमारी मदद करें। जनपद पंचायत पार्टी के सीईओ जिनका नाम है रामचंद हालो जिनका मोबाइल नंबर है 9893838644 और कॉल कर दबाव बनाए। मैं पवन सोलंकी ग्राम बादल जिला बड़वानी मध्य प्रदेश से इंडिया अनहट के लिए।